नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी सीमा विवाद चरम पर पहुंच गया है। सोमवार की रात को पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी सहित 2 जवान शहीद हो गए। 70 के दशक के बाद यह पहली बार है जब LAC पर भारतीय जवान शहीद हुए हैं। 1962 के भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, इसके बाद दोनों देशों की तरफ से आखिरी गोलाबारी 1967 में हुई थी, लेकिन इसके 8 साल बाद भी चीन ने घात लगाकर हमला किया। 1975 के इस हमले में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तब भारत सरकार ने कहा था कि चीन ने सीमा लांघी है, लेकिन हर बार की तरह चीन ने इससे इनकार किया। गलवा घाटी उन क्षेत्रों में से एक है जहां चीनी सेना ने घुसपैठ की थी। दोनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद चीनी सेना कुछ स्थानों से पीछे हटनी शुरू हो गई थी, मगर हालिया घटना घटने के बाद सीमा विवाद के और बढ़ने की संभावना है। मई की शुरुआत में चीनी सैनिकों ने LAC पर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। पूर्वी लद्दाख में 4 जगहों पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ की। चीनी सैनिक बड़ी संख्या में तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ LAC के पास मौजूद हैं। गलवा घाटी और पेगोंग त्योंस झील 2 मुख्य क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।